समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी सरल हृदय हसमुख शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री मनोज गोयल जी, फर्म SMS एग्रो एवं शुभम एंटरप्राइजेस। आप चावल का व्यापार करते हैं। आप सन 1988 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमरज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमान मल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमान मल जैन गोलछा का सागर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज अब जैसे आपको ज्ञात ही है कि महीने से ऊपर हो गया भी है, बाजार का साथ साथ करते हुए अनुगमन करते हुए आभार प्रकट करते हुए उनका कर रहा हूँ जिनका 53 वर्ष 54 वर्ष पूर्व मेरा संबंध रहा और उनका जबरदस्त मेरे सर पर रहा, शुभकामनाएं उनकी रही। आज उनका अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। आज उस कड़ी में आज वो शख्स मुझे दिखाई दिए, मैंने से व्यवस्थ किया, अरे हनुमान जी क्या हाल चाल है, बड़ी चहल पहल है बाजार में, बड़े अच्छे अच्छे साक्षात्कार आप करा रहे हैं। तो मैंने भी जब उनको देखा, प्रायः 30 साल मेरे सामने वो शख्स घूम गए और मैंने उनसे कहा मैं आपका साक्षात्कार लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हनुमान जी, साक्षात आपका सुखा ले रहे हो, कहा बड़े बड़े आदमी कह रहा है। मैंने कहा आप मेरी नजरों में हैं, आज 30 साल पूरा 28 साल 25 साल जो भी देखता हूँ तो बहुत सामान्य है, बहुत जैसी आपकी भावना। उस शख्स का नाम है श्री मनोज जी और एक विशेष बात बता दूं जो है SMS एग्रो, बड़ी कमाल के प्रेम है। मैंने कहा ये ऐसा कैसा नाम रखा, बोले एस मेरा बड़ा भाई है पूजनीय श्री सुरेंद्र जी, एम आप सुरजी के मनोज और एस सचिन साक्षात करवा रहा हूँ इसे और आपको महसूस कर रहा हूँ। और मनोज जी नमस्कार। हनुमान मल जी आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप व्यापारी भाई हो, आपने मुझे पहचान कर वरद दस्त दिया, इतने बड़े बड़े आदमियों के साक्षात्कार आप ले रहे हो और मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर साक्षात्कार दे रहा हूँ। पूरा व्यापारी भाई मैं मनोज कुमार गोयल, फर्म SMS एग्रो नया बाजार दिल्ली। नया बाजार में 30 साल से चावल के काम से जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारे जीजाजी स्वर्गीय श्री परमानंद जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला, जो एक आकस्मिक दुर्घटना के शिकार होने के बाद उनका वरदस्त हमारे ऊपर से उठ गया। उसके बाद बड़े भाई सुरेंद्र और भांजे सचिन गर्ग के साथ हम ये तीनों मिलकर के बड़े सुचारू रूप से बाजार में काम कर रहे हैं। और उस नए बाजार में लगभग सभी लोगों से हमारा व्यापारिक संपर्क है और मैं चाहता हूँ बाजार के हर आदमी को बाजार की व्यापारिक भलाई के लिए जो भी उन्नति के लिए जो भी अपना विचार दे सकते हो उनको आगे आना चाहिए। और श्री हनुमान जी ने मुझे इस लायक समझा, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और श्री हनुमान जी जो आज समाज सेवा के काम से जो व्यापार की भलाई हो और चाहिए जो रिश्ते वगैरह करवाने में जो आजकल हर आदमी समाज का पीछे हट गया कि मुझे क्या मिलेगा बुराई के अलावा, लेकिन वो इस काम को भी झेलते हुए कि बुराई मिलेगी लेकिन मैं समाज सेवा का जितना काम कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। तो इनकी बहुत बड़प्पन है इस काम के लिए कि वो इन विचारों के साथ भी अभी भी इस समाज के काम से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ परम पिता इनको दीर्घायु दे और बाजार पे इनका वरदस्त हमेशा रहे और बाजार वालों का भी इनको सहयोग समर्थन मिलता रहे। आदरणीय व्यापारी भाइयों, देखा मनोज जी का विचार, उनका विचार देख करके मुझे स्वर्गीय श्री परमानंद जी याद आ गए जो 30 साल पूर्व दलालों के प्रमुख दलालों में से दलाल कहा जा सकता है, बड़ी मिलनसार हसमुख और मेरे तो विशेष संपर्क जी आते हंसते हुए आज उनका स्मरण करके उन्हें स्मरण किया कि मेरे जीजा जी आज नहीं है, बाकी हनुमान जी हम उनके ही दिखाए हुए रस्तों पर चल रहे हैं, उनके ही भारत देश में काम कर रहे हैं और भांजे को जो हम देखते हैं तो उसी का रूप हम दिखाई देता है कि आज हम तीनों जो मिलकर काम कर रहे हैं, आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र जी, चाहे भांजा सचिन, चाहे मैं, हम उनके नाम के लेते भी आज वो नहीं अलग आज हमारे बीच में है। जैसे हनुमान जी आप सबको देख लेके चलते हो,
कि हमारे बीच में नहीं बाकी हमारे बीच में है, ऐसे हम चल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को। आज ये डिजिटल डायटी जो हम ला रहे हैं अशुराय के साथ, उसमें भी आपकी शुभकामनाएं आपसे बराबरी दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बाबा ज्योति जेम्स जो परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। ब्रज भाव जी धन्यवाद एक बार फिर हनुमान मल जी जैन का उनका धन्यवाद करते हुए अपने सौरभ श्री परमानंद जी पंचायत को याद करते हैं, और सभी बाजार के व्यापारिक भाई जो हमारे जीजा जी के बाद भी हमारे को इतना सहयोग समर्थन उन लोगों से मिलता है, उसके लिए हम तीनों बहुत तहे दिल से बाजार वालों का धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।